क्वेश्चन इस रूप में भी पूछा जाता है, सरलतम रूप में लिखिए। देखिए क्वेश्चन है, सरलतम रूप में लिखिए। ये क्वेश्चन है, टेन इनवर्स ऑफ रूट ओवर वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, जहां जीरो इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन पाई। चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। दिया गया व्यंजक यह है, टेन इनवर्स ऑफ रूट ओवर वन माइनस कॉस एक्स अपॉन, ये रूट एक साथ है ऊपर नीचे, वन प्लस कॉस एक्स। अब इसको सरलतम करना है तो टेन इनवर्स ऑफ, यदि आपको याद होगा वन माइनस कॉस एक्स और वन प्लस कॉस एक्स का फार्मूला इलेवेंथ क्लास में पढ़ चुके हैं, वन माइनस कॉस एक्स ये देता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और वन प्लस कॉस एक्स देता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। इसको हम सरल करते हैं तो टेन इनवर्स ऑफ टू कैंसिल हो गया, स्क्वायर दोनों में स्क्वायर है और होल स्क्वायर रूट है, स्क्वायर भी हट गया तो ये बन गया साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू। तो साइन बाई कॉस होता है बच्चों टेन, तो ये हो गया टेन एक्स बाई टू। अब यहाँ पर सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये हो गया बच्चों एक्स बाई टू। ये इसका सरलतम रूप हो गया, ठीक है। लेकिन ये शर्त जो है, यदि आप शर्त की जांच आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए क्या, ये व्यंजक जो है टेन इनवर्स का है तो ये मान जब देगा, टेन इनवर्स फलन जब मान देगा तो अपने रेंज के अंतर्गत देगा, तो टेन इनवर्स फलन का, टेन इनवर्स फलन का जो परिसर होता है क्या होता है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है। तो देयरफॉर ये जो मान है इसके अंतर्गत आना चाहिए, तो हम लिखेंगे क्या, माइनस पाई बाई टू इज लेस देन एक्स बाई टू इज लेस देन पाई बाई टू। ये ओपन इंटरवल है, ध्यान दें बच्चों, ओपन इंटरवल यानी ये दोनों छोर शामिल नहीं होता है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो एक्स निकालना है तो आप देखिए दो से गुना करिए, माइनस पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई, परंतु यहाँ पर एक्स ऋणात्मक नहीं हो सकता। आपको ध्यान देना है बच्चों कि टेन इनवर्स फलन का मान, ठीक है, यहाँ पर एक्स जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसको ध्यान देना है, परंतु एक्स ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो लिख दीजिए यहाँ पर एक्स ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो कहाँ से आ जाएगा, देयरफॉर यहाँ लिख दो, परंतु एक्स ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई। तो इस प्रकार से हम शर्तों की जांच कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।